नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। संभल में योगी और मोदी सरकार की योजनाएं हवा हवाई दिखती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 घंटे बिजली देने का वादा तो कर रहे हैं, लेकिन वहीं संभल जिले के गाँव मऊ भूंड में देखने को मिला ये मामला, जहाँ पर 8 महीने से ट्रांसफार्मर फूके हुए हैं और गांव के लोगों ने खंड अधिशासी अभियंता को कई बार लिखित शिकायत भी दी है, लेकिन अधिकारियों ने एक भी ना सुनी गांव वालों की। इसलिए आया सर, मैं अभी आपके क्षेत्र में 4 तारीख को चार्ज दिया है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का। मैं क्षेत्र को देखने के लिए और क्षेत्र की समस्याओं को सुनने के लिए इधर आया हूँ आज, और कुछ कैंप हो रहे थे उनके देखना था, कैंप लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 24 महीने की किस्त योजना चल रही है, आसान किस्त योजना, उसमें सारे अगस्त तक के, अगस्त 2019 तक के जो भी ब्याज है वो सारी माफ़ है, और जो बकाया है मूलधन है उस पर 24 किस्त कर दी जाएंगी। हर महीने के बिल के साथ ये किस्त जमा होगी 24 महीने तक। जैसे मान लीजिए कि आपको 1500 रुपये किस्त बनती है या 2400 रुपये है, 100 रुपये किस्त बनी और 100 रुपये बिल आ रहा है महीने का, 100 रुपये वो 100 रुपये हर महीने जमा करना पड़ेगा। इसमें इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये नहीं जमा होगा बीच में खत्म हो जाएगा तो फिर योजना का वो लाभ नहीं मिलेगा, फिर जुड़ जाएगा दोबारा सारा पैसा। इसलिए थोड़ा सावधानी से आप लोग इसका लाभ उठाइए सारे क्षेत्रीय लोग, और हम प्रयास सरकार का ये है कि आपको अप्रैल से 24 घंटे बिजली दें। उसके लिए हमें बाहर से बिजली खरीदनी पड़ती है, काफ़ी महंगी है, और उसका अब नगद भुगतान करना पड़ता है। वो अब पहले उधार मिलती थी, उधार मिलना बंद हो गया है 1 अप्रैल 2019 से। तो आप लोग के लिए भी आराम है कि 100-200 रुपये छोटी अपना हर महीने जमा कर दीजिए, इकट्ठा न होने दीजिए, और वो हमारे लिए आराम रहेगा विभाग के लिए कि वो आपको बिजली खरीद के और सही बिजली सब तक पहुँचाए। सर, गाँव वालों का आरोप है 8 महीने ट्रांसफार्मर पक पड़े हैं। आपने अभी लोगों ने संज्ञान में लाया कि 6 से 8 महीने के बीच ट्रांसफार्मर कार्यदायी संस्था द्वारा लगाया गया ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। कई बार लिखित रूप में भी दे चुके हैं जैसे आपको, जैसे आपने कोई सुनवाई करें तो मैं इसको देख के इसको वरीयता पे बदलवाऊंगा। तो सर, क्या दिन में बदल जाएगा सर? अभी मेरा प्रयास रहेगा 1-2 दिन बदल जाए, 1-2 दिन चाहिए, जो प्रयास करूँगा 1-2 दिन बदल जाए, क्योंकि काफी लोगों को परेशानी हो रही है, और देखता हूँ संस्था नहीं बदलेगी तो उसकी बिल से कटौती करके हम विभाग द्वारा बदलवाएंगे कल।